नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वर्णिमा मिश्रा। आप देख रहे हैं जेके न्यूज। मैं सर्वप्रथम अपने विधायक आदरणीय पंकज जी को उनकी जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हम लोगों का सौभाग्य है कि हमको एक युवा विधायक मिला है और उन्होंने इस नोएडा महानगर में एक नए विकास की रूपरेखा बनाकर उस विकास को आगे बढ़ाया है, जिसमें कई सारे उदाहरण हैं। यहाँ पर जो सुलभ शौचालय जो होते थे, महिलाओं को बड़ी दिक्कत होती थी घर से बाहर जाने पर, तो मैंने देखा कि अब हर चौराहे पर लगभग एक शौचालय बना हुआ है। कोई व्यक्ति बाहर जाता है तो उसे ये चिंता नहीं होती है कि मेरे कोई दिक्कत परेशानी होगी तो मैं कहाँ जाऊँगा। और दूसरी तरफ उससे स्वच्छता का भी माहौल नोएडा में बन रहा है। व्यक्ति जो है शौचालय का यूज उपयोग कर रहा है। और दूसरा एक बड़ी चीज़ उन्होंने दी है कि जो अपने जिम, यानी कि भाई शहरी क्षेत्र है, शहर के हिसाब से विकास भी बहुत ज़रूरी है, और उन्होंने जो जिम गांव में सेक्टरों में सब जगह बनाने की कोशिश करी है, और मुझे लगता है कि लोग सुबह उन जिम में जाके अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं और अपना स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। उसके अलावा बहुत सारी योजनाएं हैं, जो कच्ची कॉलोनियाँ थी उनमें भी विधायक निधि के माध्यम से वहाँ पर भी विकास हुआ है। जो लोग जहाँ पर पानी की सुविधा नहीं थी, सड़क की सुविधा, नाली की सुविधा नहीं, खड़ंजा नहीं था, उन जगह पर भी उन्होंने अपनी निधि से विकास के कार्य करवाए हैं। और ये निश्चित ही कि आगामी चुनाव जल्द ही आने वाला है, क्या तैयारियां चल रही हैं आपके पार्टी में और लोगों को आप कैसे जागरूक कर रहे हैं, साथ ही क्षेत्र में किस प्रकार का संपर्क है आपका? देखिए, पूरी पार्टी 2022 में भारतीय जनता पार्टी की दोबारा सरकार बनाने के लिए लगी हुई है, और जो हमारा बूथ लेवल का कार्यकर्ता है वो पूरा एकदम तैयार हो गया है। बूथ जीतो देश जीतो का नारा, प्रदेश जीतो का नारा चल रहा है, और पूरे प्रदेश में हमारे जो बूथ के अध्यक्ष हैं, बूथ की जो समिति है, बूथ के जो कार्यकर्ता हैं, वो सब एक्टिव हो गए हैं, एक्टिव मोड में है एकदम। और उन्होंने घर घर जाकर लोगों से संपर्क करना शुरू कर दिया। हर पन्ने का एक प्रमुख बना दिया गया है, वो प्रमुख अपने साथ जो 60 वोट हैं उनसे संपर्क कर रहा है, और मुझे पूरा विश्वास है कि हम 2022 में बड़ी विजय के साथ वापस आएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें जेके न्यूज, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके।